सो हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे खीर। तो चलो शुरू करते हैं। बनाने के लिए चाहिए किशमिश, बादाम, काजू और सेवइयाँ। और तो गाइस, आपको पहले पतीला गरम करने रखना है और दूध को उबाल ले। और फिर आपको एक घी लेनी है और उसे अब आपको पतीला में डालना है। गरम होना चाहिए वरना वो पिघलेगा नहीं। तो आपको एक चम्मच आपके अनुसार जितना घी डालना है डालो, हमने तो आधा चम्मच डाला है। तो अच्छे से हिलाइए और अब हम इसमें उबालेंगे, फ्राई करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो चलो पहले उसे ज़रा पिघलने देते। पिघल गया तो अब हम उसमें डालेंगे गैस कम करके ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश। तो पिस्ता अगर आपको डालना है तो डालिए। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और ज़्यादा भी मत फ्राई करना वरना पूरा काला हो जाएगा और वो काला होने के बाद बहुत गंदा लगता है। सो चलो, सो गाइस अच्छे से एकदम अच्छे से हिलाओ जैसे मैं हिला रहा हूँ। सब डालना, एक एक करके डालो वरना सारा डालोगे एक ही बार में, वैसा नहीं, एक एक करके डालो। अब हम उसे निकाल के लेंगे एक प्लेट में। तो चलो, तो आपको अच्छे से एकदम प्लेट में निकाल के लेना है सारा, वरना एक दो छूट गया तो। तो अब आपको डालना है सेवइयाँ। तो अब हम उसे भी ज़रा हिलाएंगे, ज़रा हाँ अच्छे से हिलाना ज़रा, ये देखिए। और फिर हिलाने के बाद आपको ज़रा सा बॉईल होने देना, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं वरना पूरा आप काला करा कर दोगे। काला काला शैतान का काला। तो ये है जायफल और ये है इलायची, उसे पीस करके उसमें डालेंगे इलायची और जायफल। और फिर अब हम जाएंगे मिक्सर पे और अब हमें उसे चालू करना है। ओके, तो ये देखिए वो पीस के हो चुका है। तो चलो, ये देखिए कितना अच्छे से हुआ है। और अब हमारा दूध हम डालेंगे हमारे खीर में। हमने 1 लीटर बनाया है। और गाइस, 1 लीटर हमने बनाया, आपको जितना बनाना है उतना दूध डालो। हाँ, तो ये देखिए अब हम शक्कर डालेंगे 4 चम्मच, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा खाते नहीं। 1, 2, 3 और ये आखिरी 4, हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते। अब इसे ज़रा हिलाते जाओ, गैस कम किया है, हिलाओ। और फिर अब हम इसमें डालेंगे गोवर्धन घी। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर बाय गोवर्धन घी। तो इसमें अब हम डालेंगे घी अच्छे से, आप कौन सा भी डाल सकते घी। अच्छे से हिलाना है डालने के बाद। अब हम ये जो मसाला बनाया था उसे चालेंगे अच्छे से, ये देखिए अच्छे से एक ना एक चालो। और फिर वही हम अपने खीर में डालेंगे, अच्छे से डालना। ये देखिए अब हमने इसमें डाल दिया है, तो थोड़ा सा उबाल आने देंगे। ये देखिए ज़रा हिलाओ हाई फ्लेम पे। गाइस, तो हमारी खीर बन चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना।